बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर डी, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड you must have studied this equation in our primary and secondary classes. So this is a similar equation. Capacitance is equal to epsilon A upon T. Or epsilon jo hai basically ye permittivity hai, and it includes the relative permittivity and एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बाकी ए और डी जो हैं, ये एरिया और डिस्टेंस है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, एक टॉप मेटेलिक प्लेट है और एक बॉटम प्लेट है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमारे पास एक डिस्टेंस डी मौजूद है। ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस डी इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। और ये डिस्टेंस जो है, इसके बीच में, यानी कि इस डिस्टेंस में हमने क्या फिल किया हुआ है, डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है। सही, तो ये डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है, इसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, एप्सिलॉन नॉट भी शामिल होगा और एप्सिलॉन आर भी शामिल होगा, जिसको हम कंबाइंडली एप्सिलॉन कहते हैं। राइट, बाकी जो इसका एरिया है वो सिंपल एरिया ऑफ द प्लेट्स एक्चुअली। तो किसी भी अगर एक प्लेट का आप एरिया निकाल लो, सिंगल प्लेट का, तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि ए रिप्रेजेंट्स ओनली द एरिया ऑफ द सिंगल प्लेट। और ये वो एरिया होता है जो कि प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, या फिर बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद होती हैं। ठीक है, एरिया फेसिंग ईच अदर। तो इसको आप सिंपली, चूँकि यहाँ पर पूरा पूरा एरिया जो है, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो एरिया है टोटल इस कैपेसिटर का, वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, यानी कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं टोटल 100%। सो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग एल विद W। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, एरिया जो कि प्लेट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। ओके, बाकी डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की। ठीक है, ओके, द चेंज इन कैपेसिटेंस अकर्स बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेरिएबल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर एट्सेट्रा। और ये जो कैपेसिटेंस है, इसमें तब्दीली आ सकती है या ये वेरी कर सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें वेरिएशन आ सकती है, या फोर्स की वजह से आ सकती है, या प्रेशर की वजह से आ सकती है, या फिर और भी दूसरी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कैपेसिटेंस वेरी कर सकती है। ठीक है, या डायलैक्ट्रिक मटेरियल की नेचर चेंज हो जाए तो भी जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करेगी। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एंड मल्टीपल वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ विच द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैन बी चेंज्ड। तो ये जो वेरिएशंस हैं, हम इन वेरिएशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं इन रीजंस को या इन वेरिएबल्स को मेजर करने में। ठीक है, यानी कि आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो, आप फोर्स मेजर कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें क्या कर रही हैं, कैपेसिटेंस में वेरिएशन लेके आ रही हैं। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेरिएशन कैपेसिटेंस में आएगी, हम उस कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे, तो इनडायरेक्टली वी हैव मेजर्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जस्ट हमें स्केलिंग करनी होगी। ओके, the capacitance of the transducer also changes by the variation in their dielectric constant, which is usually because of the measurement of liquid or gas level. So it's very simple ke agar do
पैरेलल प्लेट्स के दरमियान से अगर गैस फ्लो हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी ऑफ गैस होगी दैट विल डिसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल परमिटिविटी। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे गैस की जो कि फ़्लो हो रही होगी बिटवीन टू प्लेट्स, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, उसकी परमिटिविटी बढ़ा दी है, सही है, और या कम कर दी है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है। अगर परमिटिविटी वाला मटेरियल होगा तो डेफिनेटली वो बढ़ा देगा, अगर कम होगा तो फिर जाहिर है वो रिड्यूस कर देगा। एनीवेज, तो जो भी चीज़ इसके बीच में से फ़्लो हो रही होगी, कोई भी फ्लूइड वगैरह, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगी वो वेरी करेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो फिर वेरी कर रहा होगा। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज मेजर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू द ब्रिज सर्किट। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज गिवन एज एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 πfc। और आपको याद होगा कि हम जब ब्रिजेस पढ़ रहे थे, एसी ब्रिजेस, तो वहाँ पर हमने कैपेसिटेंस ब्रिज भी देखा था, इंडक्टेंस ब्रिज भी देखा था, ठीक है। तो हम इन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स को वहाँ पर, यानी कि उसको हम इनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ब्रिज सर्किट में, ठीक है, ताकि ये एज अ सेंसर काम कर सके। ओके, बाकी ये फार्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 πfc, ये आप लोग जानते हैं। ओके, अच्छा जी, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजेस द फॉलोइंग 3 इफेक्ट्स। नंबर 1, वेरिएशन इन कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज बेस्ड इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, तो जो वेरिएशन होती है कैपेसिटेंस में ट्रांसड्यूसर की, वो किस वजह से होती है कि अगर ओवरलैपिंग ऑफ कैपेसिटर जो हो अगर वो वेरी करे, ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब वो एरिया जो कि एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं, अगर वो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस वेरी करेगी। सेकेंड थिंग, द चेंज इन कैपेसिटेंस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, पहले पॉइंट में एरिया जो कि फेस कर रहा था वो चेंज हो, दूसरे पॉइंट में क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो, ठीक है, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करे, सही है जी। तो इन तीनों रीज़न से क्या होगा, कैपेसिटेंस वेरी करेगी, और सिंपल ये हमने फार्मूला में देखा भी था अपने पास, ठीक है, क्या था, सी इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो अगर एरिया चेंज होगा तब भी कैपेसिटेंस चेंज होगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होगा, ठीक है, तो ये भी रीज़न बनेगा किसके लिए, कैपेसिटेंस चेंज करने का, या अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो एरिया फेसिंग ईच अदर प्लेट्स का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें वेरी करती हैं तो इन तीनों चीज़ों की वजह से कैपेसिटेंस वेरी हो सकती है। ओके, अच्छा जी, तो इसमें पहला जो हम देखेंगे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग यूजिंग वेरिएबल एरिया बेस्ड कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पैरेलल प्लेट्स थी और जो ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे को, या एरियाज फेस कर रही थी दोनों प्लेट्स की, अगर वो वेरी होगा, ठीक है, तो किस तरह से जो है आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है मेजर करोगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में हमारे पास एक फिक्स प्लेट है और एक मूविंग प्लेट है, ठीक है, तो फिक्स प्लेस प्लेट जो है वो तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं होगी, लेकिन जो मूविंग प्लेट होगी वो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली कर सकती है, यानी कि एक्स एक्सिस पर राइट और लेफ्ट पे मूव हो सकती है। तो डेफिनेटली जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ओवरलैप करेगी तो इसका मतलब 100% एरिया जो होगा वो फेस कर रहा होगा एक दूसरे को, और कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगी या राइट पे शिफ्ट होगी या यानी कि डिस्प्लेस होगी, तो एरिया फेसिंग ईच अदर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो चूंकि एरिया फेसिंग ईच अदर रिड्यूस हो रहा है, इसी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी इस कंडीशन में जो इफेक्टिव एरिया होगा हमारे पास वो सिर्फ ये वाला एरिया होगा, ठीक है,
दिस इज़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कैपेसिटर एट दिस मोमेंट। तो अगर हम फार्मूला लिखते हैं सी इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए ओवर डी, तो अभी इस कंडीशन में जो आप एरिया की वैल्यू आप लिखोगे उसमें आपके पास ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द विड्थ ओनली, बाकी ये एरिया जो है आप देख रहे हैं ये एरिया यूजलेस है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कैपेसिटर। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो एरिया होता है वो वही होता है जो कि प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, बस वो वाला इफेक्टिव एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे यही बात मेंशन की है कि अगर हम इसको मज़ीद राइट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज एरिया कम हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी लेफ्ट पे ले जाने से, ठीक है, क्योंकि फिर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया फेसिंग ईच अदर बढ़ जाएगा या फिर ओवरलैपिंग एरिया बढ़ जाएगा। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर यूज फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू सेवरल 70 सेंटीमीटर्स। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस चेंजेस लीनियरली विद द चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लेट्स वाइल इनवर्सली विद द पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन द इक्वेशन बिलो। तो ये तो सिंपल हमें फार्मूले में सही दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के, ठीक है, तो ये हमें फार्मूले से ही दिख रहा है। बाकी ए जो है वो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल है और बाकी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है ये इन दोनों के बीच की परमिटिविटी है प्लेट्स की। ओके, तो द सेंसिटिविटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, और इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस डी अपॉन डी एल ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ आप फिगर में देख भी रहे हैं कि ये जो टॉप वाली प्लेट है मूविंग प्लेट, ठीक है, इसमें वेरिएशन किधर आ रही है, इसमें वेरिएशन अलोंग द लेंथ आ रही है, दिस इज़ लेंथ, लेंथ इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो चेंज किस में आ रहा है, इसमें लेंथ में आ रहा है, विड्थ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, विड्थ विल रिमेन सेम, व्हाट इज हैपनिंग ओनली द लेंथ इज वेरी, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन लेंथ कैपेसिटेंस में क्या वेरिएशन आएगी। इसीलिए यहाँ जो हमने सेंसिटिविटी का फार्मूला लिखा है, यहाँ हमने इसको कैपेसिटेंस की जो सेंसिटिविटी है उसको विद रेस्पेक्ट टू एल डेरिवेट किया है, ठीक है, चेंज इन कैपेसिटेंस विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन लेंथ, यानी कि डावा सी ओवर डावा एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है और अलोंग द एक्स एक्सिस जो पैरामीटर है वो क्या है, एल है, अलोंग द वाई एक्सिस जो पैरामीटर है वो कौन सा है, डब्ल्यू है, यानी कि विड्थ है। ओके, तो इसीलिए हमने इसको डावा सी अपॉन डावा एल किया हुआ या डी सी अपॉन डी एल किया हुआ है। तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हमें सिंपली ये मिल जाएगा, इसमें से एल जो फार्मूले में पहले मौजूद था, ठीक है ना, ये डब्ल्यू एल में, तो इसमें से एल जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डब्ल्यू अपॉन डी बचेगा हमारे पास सिंपल। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है द ट्रांसड्यूसर यूजिंग द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, पहले वाले केस में जो एरिया फेसिंग था वो वेरी हो रहा था तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे थे क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो रही थी। इस केस में क्या होगा, इस केस में एरिया फेसिंग तो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस वेरी होगा, तो बाय मेजरिंग बाय वेरिंग द डिस्टेंस वी कैन मेजर द चेंज इन द कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस इंडिकेट करेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है या डिस्टेंस में कितना इजाफा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास दिस इज़ फिक्स प्लेट एंड दिस इज़ मूविंग प्लेट, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है, मीन्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है बिटवीन बोथ प्लेट्स, लेकिन जो एरिया फेसिंग ईच अदर है, ठीक है, जो एरिया फेसिंग ईच अदर है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली दूसरे को फेस कर रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी एरिया में, इन दिस केस व्हाट इज़ वेरिंग, डी इज़ वेरिंग और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, हमने फार्मूला देखा हुआ है। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे बिटवीन प्लेट्स तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये लीनियर भी नहीं होता, ठीक है, और ये हर डिस्टेंस पे सेम भी नहीं होता। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, इट गिव्स अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, एनीवेज, द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, पता है आप लोगों को, वन प्लेट ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज फिक्स्ड, ठीक है, इसमें एक प्लेट ट्रांसड्यूसर की वो फिक्स्ड है, एंड द अदर इज मूवेबल, और जो दूसरी प्लेट है वो मूवेबल है। द डिस्प्लेसमेंट विच इज टू बी मेजर्ड लिंक्स टू द मूवेबल प्लेट्स, ठीक है, और जिस चीज़ की आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी होगी उसको आप किस प्लेट के साथ अटैच करोगे, मूविंग प्लेट के साथ अटैच करोगे, ठीक है, ताकि जब वो बॉडी मूव हो तो साथ में क्या हो, प्लेट भी मूव हो, और जब प्लेट मूव होगी कैपेसिटर की तो कैपेसिटेंस चेंज होगी। ठीक है, द कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच द कैपेसिटर शोज द नॉन लिनियर रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो कैपेसिटेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का, और ये एक नॉन लिनियर रिस्पॉन्स शो करता है। दिस इज द फार्मूला, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। इसमें सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज यूज फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनको हम कम डिस्प्लेसमेंट मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या, जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज वेरिएशन अकर्स बाय द चेंज इन द डिस्टेंस। ओके, द डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर इज शोन इन द फिगर, दिखाया गया है हमें। द सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी कॉन्स्टेंट नहीं होती, और ये प्लेस टू प्लेस क्या हो रही होती है, वेरी हो रही होती है। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू डावा सी अपॉन डावा डी, यानी कि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है, तो जब इसको आप डेरिवेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर की टर्म आ रही है, इसका मतलब इट विल नॉट रिमेन लीनियर। तो सेंसिटिविटी जो होगी वो लीनियर नहीं होगी, लीनियरली डिक्रीज नहीं होगी, नॉन लीनियरली होगी, और ये हर पॉइंट पे वेरी हो रही होगी। ओके, थर्ड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग वेरिएबल एरिया बेस्ड कैपेसिटर। इससे पहले जो हमने दो केसेस देखे थे या दो एप्लीकेशंस देखी थी, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह से, यानी कि जहाँ पे एरिया वेरी हो रहा था या फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वेरी हो रहा था, वो दोनों लीनियर थी। लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए भी, या एंगुलर वेरिएशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फ़र्क होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स मौजूद हैं, एक फिक्स प्लेट है और एक मूवेबल प्लेट है, बट बोथ प्लेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और ये दोनों प्लेट मिलके क्या बनाएंगी, एक फुल सर्कल बना लेंगी। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है, एरिया अपॉन डी के बराबर होती है। तो इस केस में हमारे पास देखें, ये इस पॉइंट पे फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, दिस इज द पिवट। इस पिवट के अराउंड जो ये सेमी सर्कल है या फिर जो मूवेबल जो प्लेट है, इट विल रोटेट। ठीक है, जब रोटेट होगा तो डेफिनेटली ये जो एंगल थीटा है ये क्या होगा, ये वेरी होगा, ये कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो ए होता है ये कौन सा ए होता है, ये वो एरिया होता है जो कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं या फिर ओवरलैप कर रही होती हैं। ठीक है, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा
व्हेन थीटा विल बी 0 डिग्री, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, ये फिक्स प्लेट हो जाएगा और इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, ये मूवेबल प्लेट, दिस विल बी मूवेबल, दिस इज फिक्स्ड, और ये इस पॉइंट के ऊपर पिवट हुए हुए हैं। अब एक प्लेट ऊपर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर की प्लेट नीचे है, इनका कोई भी एरिया एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? जब एरिया फेस ही नहीं कर रहा तो कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी। व्हेन थीटा इज 0, कैपेसिटेंस विल बी 0, ठीक है। हाँ, अब अगर इस प्लेट को अगर आप रोटेट करो क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज कितना रोटेट करो, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, व्हेन इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, तो इन केस ऑफ 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर किस किस्म की सिचुएशन होगी? कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली प्लेट हमारी कौन सी है? मूवेबल है, और ये पीछे वाली क्या है? फिक्स प्लेट है, ठीक है। तो हम एंगल को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे को ओवरलैप करें, और वो कंडीशन कौन सी होगी? व्हेन थीटा विल बिकम 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 90, अभी तो हाफ ओवरलैप हुआ हुआ था, ठीक है। दिस इज़ हाफ ओवरलैप, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस का आधा होगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब पॉसिबल होगी? जब बोथ प्लेट्स विल बी कम्प्लीटली ओवरलैप ईच अदर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये हो जाएगा, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर हमारे पास फिक्स है और किधर हमारे पास मूवेबल है, ठीक है। सो दिस विल बी द कंडीशन, नाउ द एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। बोथ प्लेट्स आर टोटली ओवरलैपिंग ईच अदर, सो द एरिया इज मैक्सिमम। नाउ सिंस द एरिया इज मैक्सिमम एंड डी इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स आर नॉट वेरिंग, इज नॉट वेरिंग, तो चूंकि डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा, ओनली एरिया इज वेरिंग, दैट्स वाई व्हेन द एंगल विल बी 180 डिग्री, द कैपेसिटेंस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो हम विद इन 180 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर के 0 से लेके 180 डिग्री तक हम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और ये जो चेंज होगा ये क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। दिस विल अगेन बी लीनियर बिकॉज द एरिया इज चेंजिंग, ओके। और आपको पता है कि सी का जो रिलेशन होता है एरिया के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगेन वी विल गेट अ लीनियर रिस्पॉन्स, राइट, ओके। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। इट हैज़ अ पेयर ऑफ मेटेलिक प्लेट्स शोइंग इन फिगर, वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज फिक्स्ड एंड द अदर इज मूवेबल, राइट। द एंगुलर मूवमेंट चेंजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स, ओके। द कैपेसिटेंस बिटवीन दैम इज मैक्सिमम वेन दीज प्लेट्स ओवरलैप ईच अदर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी, ठीक है। और इसमें जो ए है हमारे पास, अब ए को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा आर स्क्वायर से, यूजुअली पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चूंकि ये हाफ यानी कि सेमी सर्कल है, इसी वजह से इसको पाई आर स्क्वायर अपॉन या थीटा अपॉन थीटा आर स्क्वायर अपॉन टू हमने इसका एरिया दिया है, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस कैपेसिटेंस इन केस इफ यू आर मेजरिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो हियर इन दिस केस ए इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर ओवर टू, ओके। नाउ द कैपेसिटेंस एट गिवन एंगल थीटा इज एक्सप्रेस्ड सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी इन टू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, सेम फार्मूला, ओके। इसमें थीटा जो है हमारे पास वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन रेडियंस, ठीक है। आप इसको रेडियंस में वैल्यू पुट करोगे। द सेंसिटिविटी फॉर द चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज गिवन एज, अब अगर हम सेंसिटिविटी मालूम करना चाहते हैं कैपेसिटेंस की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जो हमने पहले टेक्निक इस्तेमाल की थी, सेंसिटिविटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन
थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डावा सी अपॉन डावा थीटा हो जाएगा। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको डेरिवेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ओके, 180 डिग्री इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैपेसिटर, यू नो इट। सच अ डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ रोल इन एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अगर जो एयरक्राफ्ट में अगर आपने रोल कैलकुलेट करना हो या डिटरमाइन करना हो तो उसमें हम इस तरह का मैकेनिज्म यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, जो कि हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग द कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉर मेजरिंग द प्रेशर। ठीक है, अच्छा जी, फिगर शोज प्रेशर ट्रांसड्यूसर दैट मेक्स यूज ऑफ द वेरिएशन इन कैपेसिटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन स्पेस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है और हम इसमें वेरिएशन इन कैपेसिटेंस जो के स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स के चेंज होने की वजह से वक़ू पज़ीर होगी उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ फिक्स्ड प्लेट। ठीक है, ये यहाँ तक ये लाइन छुप गई है, असल में ये इसने यहाँ तक आना था। ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड प्लेट और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ व्हाट डायफ्राम, यानी कि वो प्लेट जो कि फिक्स नहीं है, डिफ्लेक्टेबल है। ठीक है, डायफ्राम आमतौर पे किसी बारीक सी झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये डिफॉर्मेबल है, इसको आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे ठीक है राइट साइड पे तो क्या होगा, इट कैन यानी कि जब इसको आप पुश करोगे तो इट कैन गो इनसाइड, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लेट और मूवेबल। ठीक है, तो जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स प्लेट एंड दिस मूवेबल प्लेट विल रिड्यूस। सही है, और पहली बात कि ये क्या होता है, ये पूरा पूरा सील्ड होता है। सील्ड होने का मतलब क्या है कि इसमें जो क्या कहते हैं मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो वेरी नहीं हो रहा, वो सेम है। व्हाट इज चेंजिंग, द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, यानी कि फिक्स प्लेट एंड मूवेबल प्लेट। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जितना कम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही कम डिफॉर्मेशन होगी। और प्रेशर भी क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, प्रेशर कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अभी जो आप देख रहे हो प्रेशर इस फिगर में, दिस प्रेशर इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि आपने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया है। हम इसमें अगर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन किस किस्म की होगी, ये जो अभी कर्वेचर आपको इंटरनल मिल रहा है यानी कि अभी जो आपको कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर दिख रही है, अब ये कॉन्केविटी हो जाएगी, यानी कि ये डायफ्राम बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दिस कॉन्फिग्रेशन विल बी वैलिड फॉर द नेगेटिव प्रेशर मीन्स वैक्यूम। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात मालूम कर सकते हैं कि कितना वैक्यूम है या कितना पॉजिटिव प्रेशर है। ठीक है, बाय मेजरिंग द व्हाट चेंज इन द कैपेसिटेंस। ठीक है जी, ओके, इनक्लोज्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर इज अ मेटेलिक डायफ्राम व्हिच मूव्स लेफ्ट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द चैम्बर एंड टू द राइट व्हेन वैक्यूम इज अप्लाइड। ओके, तो इस फिगर के हिसाब से ये लेफ्ट है ठीक है और ये राइट है, दिस इज लेफ्ट। ओके, डायफ्राम इज यूज एज वन प्लेट ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, एक प्लेट जो है उसको हमने डायफ्राम के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी कि डायफ्राम को हमने एज अ प्लेट इस्तेमाल किया कैपेसिटर की, और ये वेरिएबल डिस्टेंस वाली है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी प्लेट टू इट्स लेफ्ट डिटरमाइंस द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड हेंस प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, the dielectric constant of material inside the instrument does not change being enclosed, right? This device is not linear and follows the following basic capacity formula with
विद रिजल्टिंग वेरिएशंस। ठीक है, ये भी नॉन लीनियर होती है और इसमें जो है ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, इसमें जो के है हमारे पास वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए जो है एरिया ऑफ वन प्लेट है। ठीक है, बाकी टी जो है हमारे पास थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी कि देखें ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पर थिकनेस कम है डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिंग। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, बाकी जो इसमें एन है ये क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने इसमें यूज़ हुए हैं। तो मुमकिन है यहाँ पर एक प्लेट हो, ठीक है, या फिर इधर एक डबल प्लेट इस्तेमाल हो गई हो। तो खैर, तो नंबर ऑफ़ प्लेट्स पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला नंबर ऑफ़ प्लेट एन हो जाएगा हमारे पास। तो डेफिनेटली कम से कम हमारे पास दो प्लेट्स होंगी तो ही कैपेसिटर बनेगा, सही है। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, द मेटेलिक पार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स रिक्वायर इंसुलेशन। जो मेटेलिक पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर का उसको हमें इंसुलेट करना पड़ता है, सही है, जो पहला डिसएडवांटेज है। द फ्रेम ऑफ द कैपेसिटर रिक्वायर्स अर्थिंग फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें जो फ्रेम होता है कैपेसिटर का उसको ग्राउंड करना पड़ता है। द केबल कनेक्टिंग अक्रॉस द ट्रांसड्यूसर कॉजेज एन एरर, और अगर कोई केबल आपने कनेक्ट करी हुई है कैपेसिटर से तो जाहिर है उसकी भी कैपेसिटेंस काउंट हो सकती है, व्हिच इज़ अ डिसएडवांटेज। कुछ एडवांटेजेस हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, वो क्या, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजेस फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर्स, द फोर्स और प्रेशर विच इज़ टू बी मेजर्ड इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिस्प्लेसमेंट चेंजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर। सिंपल सी बात है, अगर आपको फोर्स मेजर करना है तो फोर्स पहला काम क्या करेगी, फोर्स पहला काम करेगी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस वेरी करेगी बिटवीन द प्लेट्स या एरिया में चेंजिंग लेके आएगी, तो किसी ना किसी सूरत डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आएगी। जब डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेंज होगा, और वो कैपेसिटेंस हमें इंडिकेट करेगा कि फोर्स कितनी थी या फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। ओके, इट इज़ यूज एज अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर इन सम केसेस वेयर द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर चेंजेस विद द प्रेशर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमिडिटी इन गैसेज इज मेजर्ड थ्रू द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिर चेंज हो जाएगा। तो कितनी वेरिएशन आ रही है, क्योंकि देखिए इस केस में क्या होगा कि आपने डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और दो और जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो आपने फिक्स रखा होगा, सही है। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इन्वायरमेंट की तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, तो जितनी वेरिएशन आएगी वो आप मेजर कर लोगे और वो इंडिकेट करेगी चेंज इन द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट। सिंपल, द ट्रांसड्यूसर यूजेस द मैकेनिकल मॉडिफायर फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम डेंसिटी वेट एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये तमाम जो है ये वॉल्यूम में कितनी वेरिएशन आई, डेंसिटी में चेंज कितनी आई, ठीक है, और वेट में क्या फ़र्क पड़ा। डेंसिटी से मुराद वही है कि अगर इसमें डेंसिटी यानी कि जो बीच में हमारे पास मटेरियल होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो कितना डेंस हो गया है। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोड सेल, ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।